अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं ओकिनोवा कंपनी की तरफ से आने वाले लेटेस्ट मॉडल रिच प्लस की। जी हाँ दोस्तों, बजट सेगमेंट में आपको यह इलेक्ट्रिक स्कूटी देखने को मिल जाती है। स्कूटी के आज स्पेसिफिकेशन जानेंगे, इसकी प्राइस कितनी है वो जानेंगे, आपको इसके ऊपर सब्सिडी कितनी मिलती है वो जानेंगे, और RTO के ऊपर कितना खर्चा आपका इस पे होने वाला है वो सब डिटेल आज हमको यतिन जी देने वाले हैं। यतिन जी आइए। यतिन जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आपका जो शोरूम है वो कौन सी जगह पे है, लोकेशन वगैरह बताइए। मेरा नाम यतिन वर्मा है, हमारा रतनगढ़ में पंचमुखी बालाजी के पास में शोरूम है। यामा और ओकिनोवा दोनों ही कंपनियों के हमारे पास बाइक और स्कूटर और पार्ट्स सभी कुछ उपलब्ध है। अच्छा, आप ओकिनोवा इलेक्ट्रिक स्कूटी और पेट्रोल दोनों उपलब्ध है, मतलब बाइक? हाँ, दोनों उपलब्ध है। इसके अंदर हमें सबसे पहले नीचे 3x10 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, इसके बाद हमें यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, उसके ऊपर हमें एक फाइबर का मटगार्ड मिलता है जो हार्ड प्लास्टिक में आता है, इसके बाद में हमें यहाँ पे एक ओकिनोवा का लोगो देखने को मिल जाता है, और नीचे हमें एक हेलोजन लाइट मिलती है। इसके अंदर LED नहीं आती है और इंडिकेटर भी इसके हेलोजन आते हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीच में आपको यहाँ पर स्पीड बताते हैं, यहाँ पर आपको RPM, यहाँ पर आपको बैटरी शोज होती है, यहाँ पर आपको टोटल किलोमीटर ओडो आपने कितना चलाया है, यहाँ पर आपको ट्रिप देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको टाइम देखने को मिल जाएगा कि आपने चाबी चालू की है तो कितना टाइम हो गया उसका, और यहाँ पर आपको एक ओकिनोवा का लोगो देखने को मिल जाता है। तो अब हम आपको इनके बटन्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक इको स्पोर्ट्स का मिलता है बटन, जिसके अंदर दो मोड होते हैं। दो मोड है मतलब? हाँ, इसमें दो मोड आते हैं। अच्छा। और इको के अंदर ये थोड़ी कम स्पीड में चलती है, स्पोर्ट्स में अपनी टॉप स्पीड पे चलती है। अच्छा। उसके बाद में हमें यहाँ पर हेडलाइट का स्विच मिल जाता है, इसके नीचे हमें हॉर्न का बटन मिल जाता है, और इस साइड हमें डीपर का स्विच मिल जाता है, नीचे हमें इंडिकेटर का मिल जाता है, और इसके नीचे हमें हॉर्न का फिर से एक और। तो आप देख सकते हैं इसकी नीचे की लाइट है। अब हम इसे फ्रंट लाइट पर करते हैं तो ये आप देख सकते हैं डिपर इसका, और इंडिकेटर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जो अंधेरे के अंदर बहुत ही ज़्यादा विजिबल है, और ये इसके हॉर्न है। ये तो शो पीस ही है ना, ये तो ये कोई लाइट? हाँ, शो पीस पर भी, यहाँ पर भी शो पीस। तो अब हम आपको बताते हैं इसके इको स्पोर्ट्स की टॉप स्पीड। तो आप जैसा कि देख सकते हैं अभी ये इको में है, और इसके अंदर इसकी टॉप स्पीड है 38-39 के अप्रोक्स इसकी स्पीड आती है, और अभी मैं आपको स्पोर्ट्स में दिखाता हूँ यही। मतलब ओवरटेक वगैरह करें तब? हाँ, ओवरटेक करो या फिर आपको कहीं जल्दी हो अगर थोड़ी स्पीड में चलानी है तो ये उसके लिए काम आता है। कंटिन्यू रहेगी स्पोर्ट्स मोड में, मतलब ऐसा थोड़ी है कि एक मिनट दो मिनट? नहीं नहीं नहीं, ये कंटिन्यू रहेगी। वैसा फीचर प्रेस प्रो में आता है लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, उसमें टर्बो में आता है। अच्छा। लेकिन इसमें आप कौन से मोड में कितनी भी देर चला सकते हो। तो यहाँ से आप गाड़ी को चालू कर सकते हो, यहीं से आप बंद कर सकते हो, और यहीं से आप सीट को भी ओपन कर सकते हो, यहाँ से आपकी सीट ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आपको 17 लीटर का सीट स्टोरेज देखने को मिलता है। हाँ, और नीचे आपको यहाँ पर इसकी बैटरी देखने को मिल जाएगी जो लिथियम आयन की बैटरी आती है 60 वोल्ट की, ये इसकी है, जिसे आप डी अटैच भी कर सकते हो। अच्छा, कितने किलोवाट की है ये? 1.740 किलोवाट की आती है। इसका चार्जर देखने को मिल जाता है, आगे से दिखा दो इन दोनों। अच्छा, और नॉर्मल सॉकेट में लगा के यूज कर सकते हैं? हाँ, आप इसे नॉर्मल सॉकेट में लगा के यूज, पावर वाले में आप इसे नॉर्मल सॉकेट में लगा के आप इसे पावर वाले में यूज़ कर सकते हो, अपने किसी भी घर के लोकल प्लग में लगा के। और ये है जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक के अंदर लग जाता है, ये आपको ये यहाँ पर आगे आपको लगाने के लिए मिल जाता है, जो आप इजीली घर पे ही लगा सकते हैं, और ये बहुत इजी है लगाना, और डी अटैच कर सकते हो यहाँ से। और इसमें चार्जर के अंदर आपको ऑटो कट ऑफ मिल जाता है, जब भी आपकी बैटरी चार्ज होती है अपने आप ये चार्ज करना बंद कर देता है। तो हुक देखने को मिल जाता है, आप कोई भी अगर मार्केट से सामान वगैरह लेके आए तो आप यहाँ पर आगे लगा सकते हैं। नीचे आपको इसकी एक बॉक्स मिल जाता है, ग्लव बॉक्स, जिसके अंदर आपको थोड़ी बहुत स्टोरेज मिलती है, आप अपना फ़ोन वगैरह गॉगल्स वगैरह कुछ रख सकते हैं, छोटे आइटम। बैक में यहाँ पर एक हेलोजन बैकलाइट मिल जाती है, यहीं पर ही आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, ये लेफ्ट ये राइट, और नीचे आपको यहाँ पर नंबर प्लेट स्टैंड मिल जाता है। दोस्तों, इस स्कूटी में आपको 800 वोट की BLDC मोटर देखने को मिल जाती है जो कि वाटर प्रूफिंग के साथ में आती है। दोस्तों, इसकी पिक पावर की बात करें तो 1200 वोट की पिक पावर देखने को मिल जाती है। इसमें आपको डुअल ट्यूब सोकर मिल जाते हैं, दोनों तरफ आते हैं इसके अंदर सोकर, ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं इसमें रियर में, यहाँ पर आपको लेडीज फुटरेस मिल जाता है एक हार्ड बढ़िया, और यहाँ ऊपर आपको एक ग्रैब रोल मिलता है मेटल का,
चलिए दोस्तों, अब इसके जो कीज आती हैं उसके साथ जो रिमोट आता है वह कैसे फंक्शन करता है उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। इसमें आपको दो चाबी और दो रिमोट मिलते हैं। इस रिमोट के अंदर आपको तीन कीज मिल जाती है, जिसके अंदर पहला है अनलॉक, जिसे आप दबाओगे तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। अगर इसे कोई भी छेड़ेगा तो उसमें कोई आवाज़ वगैरह नहीं आएगी। अगर बीच वाले बटन को अगर आप दो बार प्रेस करोगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली और आप इसे चला के ले जा सकते हैं कहीं भी, और ये रिमोट से ही ऑफ होगी। जैसे आप अनलॉक वाले बटन को दबाएंगे तो गाड़ी ऑफ हो जाएगी। अगर आप इसके अंदर लॉक वाले बटन को दबाते हैं तो अब अगर इस स्कूटी को कोई भी अगर इसे टच करेगा या कोई इसे हिलाएगा तो इसके अंदर आवाज़ आने लग जाएगी। दोस्तों, इसके अगर वारंटी की बात की जाए तो आपको इस पे जो है कंप्लीट मोटर वारंटी देखने को मिल जाती है 3 साल की। और दोस्तों, इसकी बैटरी की बात करें तो 20,000 किलोमीटर या फिर 3 साल जो भी पहले आएगा उसकी वारंटी इन्होंने दी है। दोस्तों, ये स्कूटर जो है यतीन मोटर्स पे लिंक रोड रतनगढ़ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ये आप परचेज करने की सोच रहे हैं या टेस्ट ड्राइव करने की सोच रहे हैं तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद में आपको इसकी प्राइस बताई जाएगी, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप मुझे बताइए कि यामा के या फिर ओकिनावा इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में आप कौन से मॉडल का रिव्यू देखना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा उसका रिव्यू आप लोगों के लिए बनाने की। दोस्तों, एक और छोटी सी रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं और आपको वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ये सब चीज़ें जो हैं मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो आगे कंटिन्यू रहेगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ऑन रोड प्राइस है 76,500। इसकी ऑन रोड है इंश्योरेंस RTO समेत राजस्थान की। इस स्कूटी के हम RTO इंश्योरेंस सब कुछ हम ही करवा के दे देते हैं, और अगर आप हमसे ये लेते हैं तो हम आपको इस पर डिस्काउंट भी देंगे और साथ में एक हेलमेट भी हमें आपको हमारी तरफ से फ्री देंगे। और अगर आप क्लासिफाइड टेक के सब्सक्राइबर हैं तो आपको एडिशनल हम डिस्काउंट देंगे इस पर। अगर आपको साथ में एसेसरीज भी चाहिए तो वो 2,050 रुपीज़ उसके एक्स्ट्रा लगते हैं, वो ऑन रोड प्राइस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। उसे आप अगर आप चाहते हो तो अलग से लगवा सकते हो, उसमें भी ग्रिल वगैरह इसके आगे पीछे की आती है तो वो आप चाहते हो तो लगवा सकते हैं। तो इसके अंदर आपको राजस्थान सरकार की तरफ से मिलती है 7,100 रुपये की आपको इसमें सब्सिडी देखने को मिलती है, जो RC आने के बाद में ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की तरफ से आपके खाते के अंदर आ जाएगी। और इसके अगर हम यूनिट की बात करें, ये एक चार्ज में कितनी यूनिट लेती है तो वो होती है 2 यूनिट लेती है, जिसका खर्चा आता है आपके 20 रुपये के अप्रोक्स। दोस्तों, इस स्कूटी के अदर फीचर्स के बारे में बात करें तो सेंट्रल लॉकिंग का आपको ऑप्शन दिया गया है, इसमें एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम दिया गया है, और दोस्तों इसमें आपको फाइंड माई स्कूटर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसकी बैटरी को जो है आप लगभग 2.5 से 3 घंटे के अंदर फुल चार्ज कर लेंगे, और फुल चार्ज करने के बाद दोस्तों ये आपके 90 से 100 किलोमीटर तक की रेंज आसानी से दे देती है। दोस्तों, इसको फुल चार्ज करने में आपको लगभग जो है 2 से 2.5 यूनिट का खर्चा आएगा, जिसकी रेट अगर आप मान के चलें तो आपको 15 या 20 रुपये के बीच में पड़ने वाली है। तो इस हिसाब से दोस्तों ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है और बहुत ही कम खर्चे में जो है आपको 100 किलोमीटर तक का इसमें एवरेज देखने को मिल जाता है। दोस्तों, वीडियो के बारे में कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन का और क्यूरीज को सोल्व करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके।